राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की पुष्टि के लिए अब तक मिले सबूतों की डीएनए जांच कराई जाएगी। इसके लिए उनकी बेटी जल्द ही कोलकाता आएगी। यह जानकारी बांग्लादेश डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के चीफ हारून राशिद ने दी है। वो मामले की जांच के लिए भारत में ही हैं। हारून ने बताया कि सांसद का मर्डर करने वाला एक आरोपी नेपाल या अमेरिका में छिपा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी और हमारी टीम इंटरपोल से भी मदद मांग रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम घटना स्थल पर गए और कोलकाता से पकड़े गए आरोपी कसाई से पूछताछ की। वहां से हमें ऐसी जानकारी मिली जो बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में मौजूद एक अन्य आरोपी के बयान से मेल खाती है। हारून ने बताया कि कोलकाता के एक फ्लैट के सेप्टिक टैंक से 3.5 किलो का कटा मांस और बाल बरामद किया गया है। इसी फ्लैट में अजीम अनार ठहरे हुए थे। पुलिस ने बरामद की गई चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। अगले दिन से ही वो लापता हो गए। इसके 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी हत्या हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 3 आरोपियों को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी जिहाद हवलदार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।